मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं इसी पंचायत का नायब सरपंच भी हूँ। सलाल कोडली में हमारी कोडली नाम है, सलाल पंचायत जो है हमारी कोडली है। ये 2 साल पहले, अभी 3-4 महीने हुए जो चले गए हैं, अपना जो पूरा टेस्टिंग वगैरह करके जो चले गए हैं। इन्होंने रोड से जो अपनी मशीनरी जो ड्रिलिंग सिस्टम लाते थे, जो पूरा मशीन के साथ खींच के जो इधर लाते थे, ये पॉइंट ये देख रहे हैं आप, इसमें इन्होंने ये कम से कम 100 के करीब करीब इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं, जो 5.9 मिलियन टन जो इसमें जो लिथियम निकलना है, इसका पूरा इन्होंने 2 साल तक सर्वे करते रहे। हमारे पास ही रुके थे ये 2 साल, इन्होंने पूरा इसका सर्वे करके वो लखनऊ में भेजा। लखनऊ से पास होकर कल ही जो आपको खुशखबरी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोज़गार का एक नया सुनहरा मौका है। इससे क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदा जो है इस इलाके को, पिछले इलाके को होने वाला है? ये तो हम समझते हैं कि हमारे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा सबसे बड़ा मौका है। पहला तो NHPC जो प्रोजेक्ट बना था हमारा, सलाल डैम जिसको बोलते हैं, वो तो दूसरा ये भी उतने से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ये है। अभी रोज़गार की उम्मीदें हैं? रोज़गार की 100% उम्मीद है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हद तक कम। ये जो मार्क लगाए हैं, ये जो लगाया साइंटिस्ट वगैरह जहाँ पर जितने जो भी आते थे, ये यहाँ से कहाँ तक है लास्ट? ये जहाँ से चुनाव दरिया तक है, इसका कम से कम 500 मीटर का एरिया जो है ना सराउंडिंग में पूरा, इसमें पूरा यही है, पूरा पत्थर जो देख रहे हैं आप। हम इसको एक बार इसमें उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड कंपनी आई थी, उन्होंने कोई 1 साल काम किया था, उन्होंने भी जहाँ से पत्थर ट्रेन में उड़ीसा लेके जाते थे, जहाँ से गाड़ियों में जम्मू जाता था, जम्मू से ट्रेनों में जाता था उधर, उस वक्त बोलते थे सीमेंट के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो इतना नॉलेज नहीं था, हम छोटे छोटे थे, ये तो 25-30 साल पहले की बात है। मेरे को कल देखने को मिला कि शाम को टीवी में मेरे को देखने को मिला कि मैंने बोला सलाल हिमना का नाम, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी इसको ट्वीट किया, तो बड़ा हम सलाल के लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि सलाल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मिलियन के हिसाब से है, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, ये हमारे लिए भाग्य खुला है कि ये हमारा सलाल चमकेगा एक दिन। जो हमारे सलाल के बेरोज़गार लोग हैं, वो लोग कोई भी घर बेरोज़गार नहीं रहेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। हम मोदी सरकार का तह दिल से धन्यवाद करते हैं कि यो जहाँ पे इतना बड़ा यो लिथियम का, ये लिथियम जो हमें पहले बाहर से मिलता था, ऑस्ट्रेलिया चीन से लाया जाता था, अब ये हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के सलाल इलाके से पाया जाएगा, ये इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती।